आधारिक संरचना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्रों में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसे समझ सकेंगे। आर्थिक विकास में आर्थिक संरचना की भूमिका को जानेंगे। आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा को की भूमिका को समझेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में जानेंगे। अनेक वस्तुओं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते। उसका नाम आज है, चिली कभी गबरेयाला मिस्ट्रियल, ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है परिचय। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के राज्यों कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि और बागवानी के उत्पादन में क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे क्यों हैं? स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केवल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर गया और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है? कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? यह सब इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन राज्यों में बेहतर आधारिक संरचना है जिनमें वे आगे बढ़े हुए। कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधा है, कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधा है, या वे बंदरगाह के निकट स्थित हैं जिसमें उन्हें अपनी विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये समस्त सहयोगी संचार जो किसी एक देश के विकास की संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती है। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना औद्योगिकी व कृषि उत्पाद, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सुविधाएं, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल। चित्र 8.1 समृद्ध के मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें का दृश्य ये दिखाई गई है। दृश्य 8.2 विद्यालय किसी देश के महत्वपूर्ण आधारिक संरचना का दृश्य दिखाया गया है। वह स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। इन्हें कीजिए अपने क्षेत्र में या पड़ोस में। आप अनेक प्रकार की आधारिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं, उन सब की सूची बनाएं। आपके क्षेत्र को कुछ और आवश्यकताएं हो सकती हैं, अलग से उनकी सूची बनाएं। कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशकों, दवाइयों और खाद के तीव्र व बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है। वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ता है। संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती हैं। अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार
से बुरे असर पड़ सकता है। जलापूर्ति और सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अवस्था में कमी आती है और बीमारियों के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है। जल सफाई और स्वास्थ्य के बीच इस स्पष्टता संबंध के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधाओं की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ सकता है, विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ सकता है। चित्र 8.3 बांध विकास के मंदिर का दृश्य दिखाई गई है। आधारिक संरचना की स्थिति पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था, लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। आजकल निजी क्षेत्रों ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी पर आधारित संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसलों का बचा खुचा गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती है। ईंधन, जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 31% ग्रामीण परिवार में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 69% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरने, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी। चित्र 8.4 पक्के घर के साथ स्वच्छ पेयजल अभी भी एक स्वप्न की तरह है। चित्र में दिखाई गई सारणी 8.1 भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारित संरचना देश सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश सुरक्षित रूप से संबंधित पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाले परसेंटेज सुरक्षित रूप से बंधित सेवाओं का उपयोग करने वाले परसेंट मोबाइल प्रयोगता 1000 लोगों ऊर्जा की खपत मिलियन टन तेल के बराबर चीन 44.96 72 115 3274 हांगकांग 2291.8 259 31 भारत 394 40 87 809 दक्षिण कोरिया 31 98 99.9 130 301 पाकिस्तान 16 35 64 73 85 सिंगापुर 28 100 146 88 इंडोनेशिया 34 87 61 120 186 स्रोत विश्व विकास सूचक 2019 WWF वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन सकल पूंजी सृजन को दर्शाता है। नोट विश्व ऊर्जा 2019 BP संख्या समीक्षा 69 संकरण इन्हें कीजिए। समाचार पत्र को पढ़ते हुए आप भारत निर्माण विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निर्माण परिचालन हस्तांतरण बिल्ट ऑपरेटर ट्रांसफर निजी सार्वजनिक भागीदारी इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं। स्क्रैप बुक में ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले समाचारों को चिपकाइए। इन शब्दों का आधारिक संरचना से क्या संबंध है? इस पाठ के अंत में दिए गए संदर्भों का उपयोग करते हुए अन्य आधारिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पीते हैं। ग्रामीण इलाकों में केवल 30% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थी। सारणी 8.1 देखें। इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना की सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई है। यह सर्वविदित है कि आधारिक संरचना विकास की नींव है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है। भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफी कम है। कुछ अर्थशास्त्री ने अनुमान लगाया है कि अब से
कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए भारत को आधारिक संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसे बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं और उनकी बुनियादी उपयोग के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि के हिस्सेदारी कम होती जाती है। सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। अतः आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं। काफी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पाद, परिवहन और संचार के विकास पर निर्भर करती है। यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचनाओं की ओर होगा जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन स्वरूप में यह उपलब्ध है, किस राष्ट्र की, चित्र 8.5। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत ईंधन की लकड़ी चित्र में दिखाई गई है। चित्र 8.6 बैलगाड़ी अभी भी ग्रामीण परिवहन बाजार का महत्वपूर्ण माध्यम है। चित्र में बैलगाड़ी दिखाई गई है। विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों की प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होता है। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। व्यावसायिक स्रोत में ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल और बिजली आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, वेस्ट और सूखा गोबर आते हैं। ये गैर व्यावसायिक हैं क्योंकि ये हमें प्राकृतिक जंगलों में मिलते हैं। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पन बिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। भारतीय परिवार में 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर निर्भर हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। चित्र 8.7 ऊर्जा के अन्य स्रोत पवन चक्की का दृश्य दिखाई गई है। चित्र 8.8 सौर ऊर्जा के लिए बड़ी संभावनाएं। चित्र में सौर ऊर्जा के स्रोत दिखाए गए हैं। ऊर्जा के तीन और स्रोत हैं जिन्हें आमतौर पर हम गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। वे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा तभी संभव होगा जबकि कोई सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए या और भी सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें लिग्नाइट, कोयला शामिल है जिसका 74% का अंश सबसे अधिक है। इसमें तेल 10%, प्राकृतिक गैस 9% और जल और अन्य नए और नवीनीकरण ऊर्जा 7% शामिल है। जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और कृषि का कूड़ा कचरा आदि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का 26% से ज्यादा है। भारत के सारणी 8.2 व्यवसाय
व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां परसेंट में क्षेत्रक 1953 से 54, 1970 से 71, 90 से 91, 2017 से 18 परिवार 10, 12, 12, 24 कृषि 1, 2, 8, 18 उद्योग 40, 50, 45, 42 परिवहन 44, 28, 22, 0, 1 अन्य 5, 7, 13, 15 कुल 100 100 100 100 स्रोत CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन भारत सरकार 2019। ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अर्थव्यवस्था से भी संबंध है कि हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी। सारणी 8.2 में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति दी गई है। 1953 से 54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई है, जबकि घर कृषि तथा अन्य क्षेत्रों उपयोग में वृद्धि हो रही है। समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में तेल और गैस का अंश सबसे अधिक है। आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप है, जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता की प्रगति का उद्घोतक माना जाता है में बिजली आती है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद दर से ऊंची होती है। अध्ययनों से पता चला है कि 8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रति वर्ष दर लगभग 12% होना चाहिए। चित्र में चार्ट 8.1 भारत में विद्युत ऊर्जा के विभिन्न स्रोत 2018 में 7% ईंट वाले हैं। ईंट वाला नवीनीकरण ऊर्जा से दर्शाया गया है और ये घेरे वाले जो 82% से दिखाई गई है ये ऊष्मीय ऊर्जा है। काले वाले परमाणु ऊर्जा से जो 2.5% है 2.8.5% जो जल से उत्पादित ऊर्जा का दृश्य दिखाई गई है इन्हें कीजिए। आपने यह ध्यान दिया होगा कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में परमाणु ऊर्जा का अंश बहुत ही कम है। क्यों? भविष्य में ऊर्जा के स्रोत में सौर शक्ति, पवन शक्ति और ज्वार से प्राप्त शक्ति होगी। उनके तुलनात्मक लाभ और हानियां क्या है कक्षा में चर्चा करें। भारत में 2018 में कुल बिजली उत्पादक क्षमता का लगभग 82% उत्पादन तापीय स्रोत से हुआ। जल और परमाणु स्रोतों का प्रतिशत क्रमशः 8.5 और 2.5 रहा। भारत की ऊर्जा नीति जल, सौर और ऊर्जा के वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसीलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप इन तीनों स्रोतों से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि हुई है। बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं और दीर्घकाल में यह सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.5% का अंश है, जबकि विश्व औसत 13% है। यह बहुत ही कम है, इसीलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए, जिससे पर्यावरण और धारावड़ीय विकास प्रभावित न हो। इस संबंध में आप क्या राय है? विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियां विभिन्न पावर स्टेशन द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोग उपभोक्ता नहीं करते, उसके एक अंश का उपभोग पावर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली के संप्रेषण में भी उसका एक हिस्सा खत्म हो जाता है। शेष बिजली हम अपने घरों, ऑफिसों और कारखानों में प्राप्त करते हैं। भारत के बिजली क्षेत्र के समकक्ष आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं। क भारत की वर्तमान बिजली उत्पादक क्षमता, उच्चारण, आर्थिक क्षमता
अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत प्रति वर्ष मात्र 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ पाता है। यहाँ तक कि स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है क्योंकि बिजली घर उचित तरीके से नहीं चल रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं कि हानियां 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका कारण संप्रेषण और वितरण का नुकसान बिजली की अनुचित तालिका 8.1 लीक से हटकर ठाणे शहर की एक पूर्णता नई छवि उभर रही है जो पर्यावरण मित्र के रूप में है। सौर्य ऊर्जा जिसे कभी असंभव माना जाता था कि बड़े पैमाने पर प्रयोग द्वारा वास्तविक लाभ मिले हैं। यह लागत और ऊर्जा की बचत हुई है। इसका प्रयोग पानी गर्म करने, विद्युत चालित यातायात, प्रकाश व्यवस्था और विज्ञापन होर्डिंगों को प्रकाशमान करने के लिए किया जाता है। ठाणे के नगर पालिका का इस अद्वितीय प्रयोग में अग्रणी स्थान है। शहर की सभी नई इमारतों के लिए सौर्य जल तापन पद्धति को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। आउटलुक 01 अगस्त 2005 में कॉलम मेकिंग और डिफरेंस में प्रकाशित। क्या आप गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग का ऐसा ही कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं? बाक्स 8.2 विद्युत वितरण दिल्ली के संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात राजधानी में विद्युत प्रबंधन में 4 बार परिवर्तन हुआ। 1991 में दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई। 1998 में दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम DESU बना। 1997 में प्रबंध व्यवस्था में तीसरा परिवर्तन हुआ और दिल्ली विद्युत बोर्ड DVB बना। अब विद्युत वितरण का कार्य निजी क्षेत्र की दो अग्रणी कंपनियां रिलायंस एनर्जी लिमिटेड BSES रजत राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड NDPL कर रही हैं। ये दिल्ली में लगभग 46 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत पूर्ति करते हैं। बिजली की दर और अन्य विनियामक मुद्दों की देखरेख दिल्ली विद्युत विनिमय आयोग करता है। यह आशा थी कि विद्युत वितरण में अधिक सुधार होगा और उपभोक्ताओं को कई रूप में लाभ मिलेगा, लेकिन अनुभव बताता है कि परिणाम असंतोषजनक है। कीमतों और अकार्यकुशलता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है जिससे राज्य विद्युत निगमों को और भी नुकसान होता है। गौ बिजली के क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेश का भी यही हाल है। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें और लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष है। भारत के थर्मल पावर स्टेशन जो कि भारत के बिजली क्षेत्रों के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि से भारत में ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह मांग वर्तमान में उत्पन्न की जा रही है ऊर्जा से बहुत अधिक है। अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान व विकास के उपाय, तकनीकी खोज और ऊर्जा के पुनर्नवीकृति स्रोत से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अतिरिक्त क्षमता वाले पावर क्षेत्रों में बाक्स 8.3 ऊर्जा बचत कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप तथा LED बल्बों के विषय का संवर्धन। ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो के अनुसार कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सामान्य बल्बों की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत करते हैं। इंडो एशियन नामक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का निर्माता का कहना है कि 10 लाख यानी 100 वाट बल्ब की 20 वाट की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करने से बिजली उत्पादन में 80 मेगावाट की बचत हो सकती है। बचत की यह राशि 400 करोड़ रुपए है। स्रोत इन दिनों देश में LED लैंप के प्रयोग की ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। LED बल्ब ताप दीप्ति बल्बों की
केवल 10% और CFL बल्बों में आधी ऊर्जा का प्रयोग करती है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अनुसार उजाला योजना के अंतर्गत तप्त दीप्ति बल्बों के स्थान पर LED बल्ब कुल ऊर्जा उत्पादन में 5 मेगावाट ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। क्षमता के बढ़ाने तथा प्रति स्थापन लागत के कम होने के परिणाम स्वरूप एक औसत परिवार को इसके कारण लगभग 4000 की वार्षिक बचत होगी। इन्हें कीजिए। आप किसी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग अपने घर में करते हैं, अपने अभिभावक से पता करें कि वे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में एक महीने में कितना धन खर्च करते हैं। आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति कौन करता है और उसका उत्पादन कहाँ होता है। क्या आप किसी सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपके घर को प्रकाशित करने या भोजन पकाने या दूर दराज की जगहों को भ्रमण करने में सहायक हो सकती है। नीचे की सारणी देखें। क्या आप समझ हैं कि ऊर्जा खपत विकास का एक प्रभावशाली सूचक है। देश PPP के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $2018 में 2014 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत की ग्राह में भारत 6,899,637, इंडोनेशिया 11,605, 884, मिस्र 11,073, 828, इंग्लैंड 40,158, 2777, जापान 39,294, 3771, अमेरिका 98,681, 6,961। स्रोत वर्ल्ड डेवलपमेंट सूचक 2019 वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से। पता करें कि आपके क्षेत्र में बिजली का वितरण कैसे होता है, साथ में अपने शहर और गांव की कुल बिजली मांग का पता करें और यह भी पता लगाएं कि उसे कैसे पूरा किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोग बिजली और अन्य ऊर्जा को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गैस स्टोव का प्रयोग करने पर गैस एजेंसी गैस को कार्य कुशलता और बचत के साथ प्रयोग करने में कुछ तरीके बतलाती है। अपने अभिभावकों और बुजुर्गों से उन पर चर्चा कीजिए। मुख्य बातों को लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। निवेश के बावजूद सरकार पावर क्षेत्रों के निजीकरण के लिए सहमत हुई है और खासकर वितरण के मामले में देखें 62.2 तथा उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी जिसका कुछ खास वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ा। देखें 63.3। क्या आप सहमत हैं कि यह एक सही नीति है, क्यों? कक्षा में इस पर चर्चा करें। स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का न होना ही नहीं है, बल्कि यह अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है। किसी की सुख समृद्धि का मापदंड है। स्वास्थ्य राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के इतिहास ने उत्कृष्ट मानव स्वास्थ्य के वैश्विक रूपांतरण को देखा है, फिर भी किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य दशा की माप को किसी एक इकाई के रूप में परिभाषित करना कठिन है। आमतौर पर विद्वान लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर के साथ साथ संक्रामक और असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों द्वारा करते हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति सुनिश्चित होती है। हाल के वर्षों में विद्वानों का कहना है कि लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य आधारिक चित्र 8.9। देश के हिस्सों में अभी भी स्वास्थ्य आधारिक संरचना का अभाव है। चित्र में दिखाई गई है आधारिक संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मी, बेड, अस्पतालों में जरूरी उपकरण और एक सुविकसित दवा उद्योग शामिल है। यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना की मात्रा उपस्थिति से ही लोग स्वास्थ्य हो, यह आवश्यक नहीं है। लोगों की इन सुविधाओं पर पहुंच होनी चाहिए। योजनाबद्ध विकास के आरंभ में ही नीति निर्माताओं ने जोर दिया कि कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधा, आरोग्य कारी और निवारक प्राप्त करने से वंचित इसलिए न हो जाए
क्योंकि वह उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता। लेकिन क्या हम इस आदर्श को प्राप्त कर पाए हैं? इससे पहले कि हम विभिन्न आधारिक संरचनाओं पर विचार करें, आइए भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करें। स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति, सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाइयां एवं जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता और पागलपन जैसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे को निर्देशित व विनियमित करे। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां एवं योजनाएं विकसित करती हैं। वे सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पिछले वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति को विकसित किया है। गांव के स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार की अस्पतालों की व्यवस्था की है। भारत में ऐसे अस्पतालों तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCS देखें 8.4 की संख्या भी अधिक है, जो कि स्वच्छक संस्थाओं और निजी क्षेत्रों को द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में मेडिकल, दवा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मी संचालित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। 1951 से 2013 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों दोनों की संख्या 9300 से बढ़ाकर 53800 हो गई और अस्पतालों तक निजी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCS देखें 62.5 के बेड 1.2 से 7.1 लाख हो गई। सारण 8.3 देखें। 1951 से 2018 के दौरान नर्सिंग कर्मियों की संख्या 18000 से 30 लाख हो गई, जबकि एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 62000 से 11.5 लाख हो गई। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार से चेचक और स्नायु रोगों का उन्मूलन और पोलियो तथा कुष्ठ रोगों का पूर्ण उन्मूलन हो गया। सारणी 8.3 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनात्मक सेवाएं 1951 से 2018 तक मध्य 1981-1981 2000-2018 सरकारी अस्पताल 2694-6805-15888-25778 सरकारी अस्पताल दवाखाना बेड 1,17,050,000-5,04,583 7,19,861 7,13,986 दवाखाना 6,600 16,745 23,065 और 27,951 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र 725-9115 22,842 25,743 उपकेंद्र में पहले 84,736 1,37,311 1,58,417 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 761 3,043 5,624 नोट, स्टार वाले आंकड़े केवल सरकारी अस्पतालों से संबंधित हैं। स्रोत, नेशनल कमीशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिकल एंड हेल्थ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। कई वर्षों के आंकड़े WWCBHIDBHSNIC निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना। हाल के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है। इस बारे में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों ने बहुत प्रगति की है। एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। उनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेड़ों का 2/5 हिस्सा है। लगभग 60% दवाखानों
निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं वे 80% बाह्य रोगियों और 46% अंतर रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल कल मेडिकल क्षेत्र शिक्षा और प्रशिक्षण मेडिकल प्रौद्योगिकी तथा रोग निदान अन्वेषण दवाइयों की बिक्री 8.4% भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की स्वास्थ्य आधारित संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं की 3 स्तरीय व्यवस्था है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक सुविधा में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें पहचानने रोकने और नियंत्रित करने की विधि खाद्य पूर्ति तथा उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति तथा मूलभूत स्वच्छता शिशु एवं मातृत्व देखभाल प्रमुख संक्रामक बीमारियों और चोट से प्रतिरोध तथा मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन और आवश्यक दवाइयों का प्रावधान शामिल है। ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ ANM पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांवों तथा छोटे कस्बों में अस्पताल बनाए गए हैं। आमतौर पर यहां एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सीमित मात्रा में दवाएं उपलब्ध होती हैं। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और उप केंद्र के नाम से जाना जाता है। जब एक रोगी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सुधार नहीं हो पाता तो उन्हें द्वितीयक या मध्य या उच्च श्रेणी के अस्पतालों में भेजा जाता है। जिन अस्पतालों में शल्य चिकित्सा, एक्सरे, ECG जैसी बेहतर सुविधाएं होती हैं, जिन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं, वे प्राथमिक चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने दोनों ही प्रदान करते हैं। ये प्रायः जिला मुख्यालय और बड़े कस्बों में होते हैं। ऐसे सभी अस्पताल जहां उच्च स्तर के उपकरण और दवाइयां उपलब्ध हों और जो कि ऐसे गंभीर समस्याओं का निपटान करे जिसकी सुविधाएं प्राथमिक या माध्यमिक अस्पतालों में हो, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं जो कि न केवल उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करते हैं, अनुसंधान करते हैं, बल्कि वे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ है मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। स्रोत नेशनल कमीशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2005। चित्र में स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठी की प्रगति पर चित्र दिखाई गई है। महिलाओं की शिशु को पोलियो ड्रॉप दिया जाना चित्र में दिखाई गई है। 8.5 चिकित्सा पर्यटन एक महान अवसर। आपने टेलीविजन समाचारों या समाचार पत्रों में देखा होगा कि बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सा, गुर्दा रोपण, दंत और यहाँ तक कि सौंदर्य वर्धक देखभाल के लिए भारत आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। हमारे पास योग्य डॉक्टर और विदेशियों को उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं काफ़ी सस्ती हैं। वर्ष 2016 में 2,01,000 से भी अधिक पर्यटक चिकित्सा के लिए भारत आए और इस संख्या में प्रतिवर्ष 15% वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों की यह भविष्यवाणी है कि 2020 में भारत मेडिकल पर्यटक से 500 अरब रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सकता है। स्रोत पर्यटक मंत्रालय, भारत सरकार, WW ग्रंथ नोटेन इनसे लिया गया है। अस्पताल व मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2001 से 2002 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80% से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे जो समय समय पर भाड़े के श्रमिकों से काम लेते थे। विद्वानों ने यह कहा कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बड़े विनिमय के विकसित हुआ है।
कुछ निजी चिकित्सकों का तो पंजीकरण भी नहीं हुआ है और उन्हें हम फर्जी चिकित्सक मानते हैं। चित्र में दिखाई गई है योगा करते हुए व्यक्ति को। बॉक्स 8.6 समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी संस्थाएं। समुदाय एक अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह इस विचार पर कार्य करती है कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लगाया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में इस विधि का उपयोग पहले ही से किया जा रहा है। सेवा स्वनियोजित महिला समिति से SEWA सेवा अहमदाबाद और एक नीलगिरी भारत में कार्य कर रही कुछ ऐसी ही गैर सरकारी संस्थाएं NGOs के उदाहरण हैं। व्यापार संघ ने अपने सदस्यों के लिए कुछ वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराए हैं और आसपास के गांवों के लोगों को निम्न लागत पर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में सर्वाधिक अग्रणी और सुविख्यात पहल शहीद अस्पताल ने की है। इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा 1983 में किया गया। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल पहले का निर्माण करने के लिए ग्रामीण संस्थाओं ने कुछ प्रयास किए हैं। ठाणे महाराष्ट्र में कबीलाई लोगों का संगठन कष्टकारी संगठन इसका उदाहरण है। यहाँ न्यूनतम लागत पर साधारण बीमारियों की गांव के स्तर पर उपचार करने के लिए महिला स्वास्थ्य श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है। सारणी 8.4 अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचकांक 2015 से 2017 सूचकांक भारत चीन अमेरिका श्रीलंका शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जिंदा शिशु 2018 37.4 5.6 6.4 पाँच वर्ष के नीचे मृत्यु दर प्रति 1000 शिशु 36.6 8.6 5 7.4 प्रशिक्षित परिचर्या द्वारा जन्म 2016 81.4 99 प्रति रक्षित शिशु DPT परसेंट में 2018 89 99 94 99 GDP परसेंट के अनुरूप में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी 2016 3.7 5.7 17 3.9 जेब से बाहर का व्यय स्वास्थ्य पर वर्तमान व्यय के प्रतिशत के रूप में 2018 65 36 11.1 50 स्रोत विश्व विकास संकेत 2019 विश्व बैंक वाशिंगटन। 1990 के दशक में उदारीकरण उपायों के कारण अनेक अप्रवासी भारतीय और औद्योगिकी तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का निर्माण किया। देखें बॉक्स 8.5। क्या आप सहमत हैं कि भारत के अधिकतर लोग इस प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं हैं। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को आयुष भी कहते हैं। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथिक। भारत वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 4095 आयुष अस्पताल और 27,951 दवाखाने और 8,00,000 पंजीकृत चिकित्सा है। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएं हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक हैं एक मूल्यांकन। जैसा कि पहले बताया गया है कि एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु तथा मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा व पोषण स्तरों के साथ साथ संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों की घटनाओं जैसी
सूचकों के द्वारा होता है। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सूचकों और उनकी भारत में स्थिति के बारे में जानकारी सारणी 8.4 में दी गई है। विशेषज्ञों की यह राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्हें कीजिए। अपने इलाके या पड़ोस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। अपने इलाके में निजी अस्पतालों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, सूक्ष्म परीक्षा केंद्रों और दवा की दुकानों और इसी प्रकार के अन्य सुविधाओं की संख्या को की जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रतिवर्ष मेडिकल कॉलेजों से पास करने वाले हजारों मेडिकल स्नातकों की सेवाओं को प्राप्त करने में साधनहीन गरीबों की देखभाल के लिए क्या हमें दवाइयों की एक सेना तैयार करनी चाहिए, इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद करें। एक अध्ययन के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि केवल चिकित्सा व्यय ही प्रतिवर्ष 2.2% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है। कैसे? अपने स्थानीय क्षेत्रों में कुछ अस्पतालों में जाइए। उनके प्रति रक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या का पता करें। अस्पताल कर्मियों से 5 वर्ष पहले प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या के बारे में पूछे। प्राप्त जानकारी पर कक्षा में चर्चा करें। असम के 2 छात्रों लीना तालुकदार 16 और सुशांत महंत 16 ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध झाड़ियों, धान का भूसा, छिलकों और सूखे कूड़े की सहायता से मच्छरों को भगाने वाले हर्बल दवा जंग बनाई। उनका यह प्रयोग सफल रहा। शोध यात्रा योजना सितंबर 2005। यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके न्यूनतम तरीके से लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ हो, या यदि आप इन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी हो और वे लोगों के रोगों को ठीक करते हो, तो उनसे बात करें, उन्हें कक्षा में लाएं, या तो उनसे यह सूचना प्राप्त करें कि वे क्यों और कैसे रोगों का निदान करते हैं। कक्षा में यह जानकारी दें। आप स्थानीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारतीय शहरों में विश्व स्तर की चिकित्सा आधारित संरचना उपलब्ध हो सकती है, जिससे कि वे मेडिकल पर्यटकों के लिए आकर्षित हो सकें? क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए आधारित संरचना प्रदान करने पर केंद्रित होना चाहिए? सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? चर्चा कीजिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे और गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली का पता करें। उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन पर कक्षा में चर्चा करें। सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए सारणी यह बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय सकल घरेलू उत्पाद की मात्र 3.9% है। यह अन्य देशों की मुकाबले बहुत कम है। इन देशों में विकसित और विकासशील देश दोनों आते हैं। एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ GDP है। विश्व रोग भार GDP एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञों इन्हें कीजिए। भारत की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। चेचक का उन्मूलन हो गया है। कुष्ठ तथा पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये आंकड़े तभी अच्छे लगते हैं जब कि उन्हें आप अलग करके देखें। इन आंकड़ों की तुलना शेष विश्व से करें। आप ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या जानकारी मिली? 1 महीने के लिए अपनी कक्षा का पर्यवेक्षण करें और पता करें कि कुछ छात्र अनुपस्थित क्यों रहते हैं। यदि अनुपस्थिति का कारण स्वास्थ्य समस्या है, तो पता करें कि उन्हें क्या बीमारी है, उनके रोग उपचार की प्रकृति और उनके अभिभावकों द्वारा उनके उपचार पर किए जा रहे खर्च का विवरण तैयार करें। इस सूचना पर कक्षा में चर्चा करें। किसी विशेष रोग के कारण
समय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं। सन 2017 के एक अध्ययन में लगभग 2/3 जीबीडी को दिखाया गया है, जिसे अब रोग का कुल बोझ के नाम से जाना जाता है, जो हृदय श्वसन प्रणाली, फेफड़े, किडनी, मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी गैर संचारी बीमारियों के कारण होता है। डायरिया, कम श्वसन प्रणाली और सामान्य संक्रमक रोग भारत में होने वाली कुल मृत्यु का 1/6 हिस्सा है। वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 4.1 मिलियन शुरुआती मृत्यु होती है, जिसमें से अकेले भारत में 1.1 मिलियन मौतें हुई हैं। इसके अतिरिक्त गत 2 दशकों में कैंसर 8% और दुर्घटना 11% से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की चित्र 8.10। कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद महिलाओं की चिंताजनक स्थिति चित्र में दिखाई गई है। वांछित संख्या उपलब्ध है और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सक केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडारण होता है। शहरी, ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन, भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र सहित स्थित हैं। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.13 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड उपलब्ध हैं। अतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं है। इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोग पर 0.36 अस्पताल हैं, जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 3.6 अस्पतालों की है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे या खून की जांच जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि किसी शहर के लिए ये बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करती हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ग्रामीणों को शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदना हरण तथा प्रसूति विद्या जैसे विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद कि 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में से प्रतिवर्ष 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं, ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं, अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, जो कि अधिकांशतः शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? अपने क्षेत्र में काम करने वाले 1 या 2 डॉक्टरों के साथ बातचीत करें और कक्षा में चर्चा करें। एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं, जबकि धनी केवल 2% खर्च करते हैं। क्या होता है जब गरीब बीमार पड़ता है? कुछ अपनी जमीन बेचते हैं या उपचार के लिए अपने बच्चे को भूखे रखते हैं। चूंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिन्हें उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के विकल्प को चुनते हैं। हाल ही में भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल कर रही है। जानकारी एकत्र करें और कक्षा में समीक्षा करें। महिला स्वास्थ्य, भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में शिशु लिंग अनुपात 2001 में 1927 से 1919
की गिरावट भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है। 15 से 19 वर्ष से कम लगभग 5% की लड़कियां न केवल शादीशुदा हैं बल्कि कम से कम एक बच्चे की माँ भी हैं। 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज्यादा रक्त भाव और रक्त क्षीणता से ग्रसित हैं। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है और 2005 के बाद से इसमें गिरावट नहीं आई है। जीबीडी अध्ययन 2017 की रिपोर्ट है कि वर्ष 2007 और 2017 दोनों वर्षों में नवजात विकारों के कारण असामयिक मृत्यु बहुत अधिक थी। स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और एक बुनियादी मानव अधिकार है। सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हो। रोगों में दीर्घकालिक संघर्ष में सफलता शिक्षा और कार्य कुशल स्वास्थ्य आधारित संरचना पर निर्भर करती है। इसीलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्य कुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया से दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों को एक बेहतर गुणवत्ता जीवन की ओर ले जाना है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में शहर और गांव के बीच स्पष्ट विभाजन है। यदि हम इसे बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारिक संरचना में सक्षमता और सुलभता की आवश्यकताओं का एकीकरण करना जरूरी है। निष्कर्ष: एक देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का होना अनिवार्य है। उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए ये सभी एक सहयोगी प्रणाली के रूप में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। आपने स्वतंत्रता से पिछले 6 दशक में भारत ने आधिकारिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन उनका विस्तारण असमान है। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी सड़कें, दूरसंचार सुविधाएं, बिजली, स्कूल और अस्पतालों का अभाव है। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है गुणवत्तापूर्ण आधारित संरचना की मांग भी बढ़ेगी। पर्यावरण पर उनके असर को भी यहाँ ध्यान में रखना होगा। विभिन्न प्रकार के रियायत और प्रोत्साहनों को प्रदान करने वाली सुधार नीतियों का लक्ष्य आमतौर पर निजी क्षेत्र को और विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। ऊर्जा और स्वास्थ्य की दो आधारिक संरचनाओं का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधारिक संरचना पर सभी की समान रूप से पहुँच की संभावना हो सकती है। पुनराप्रवर्तन: संरचनात्मक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं व सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। इनके साथ सहयोग करने के लिए सामाजिक आधारित संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण आधार है। उच्च आर्थिक समृद्धि दर बनाए रखने के लिए समय समय पर आधारित संरचना का स्तर ऊंचा करना आवश्यक है। हाल ही में बेहतर आधारित संरचना ने विदेशी निवेश और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित किया है। ग्रामीण आधारित संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। आधारित संरचना के विकास के लिए विशाल धन इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बिजली की उपभोक्ता मांग और उसकी पूर्ति में भी बहुत अंतर है। बिजली की कमी की पूर्ति में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत विद्युत क्षेत्र उत्पादन संचरण और वितरण स्तरों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य मनुष्यों के शरीर और मानसिक सुख का एक मापदंड है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की भौतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विस्तार और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। अधिकांश जनसंख्या के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण शहरी इलाकों और अमीर व गरीबी के बीच स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उपभोग में बड़ा अंतर है। देश में भ्रूण हत्या
की बढ़ती घटनाओं के कारण देश में स्त्रियों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बन गया है। निजी क्षेत्र में भी नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। जन स्वास्थ्य की सहायता के लिए चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणालियों का अनुसंधान करना और उनके परिणामों का उपयोग करना होगा। भारत में चिकित्सा पर्यटक के बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं।